हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2023 के बारे में, जिसमें दोस्तों टोटल पोस्ट हैं 7,547। ठीक है, इसका फॉर्म 1 सितंबर 2023 से स्टार्ट होगा दोस्तों। एक महीने का टाइम मिलेगा आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके साथ हम बताना चाहते हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखें, वरना आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों। जैसा कि दोस्तों इसका एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा, ठीक है, और कुछ ही दिन बाद आपका रिजल्ट भी मिल आ जाएगा। जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि आपका 10th और 12th का मार्कशीट रहना ही चाहिए। ठीक है, उसके साथ में आपका जो सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट OBC और SC के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं लोगों का सिर्फ बनेगा कास्ट सर्टिफिकेट। और ये भी होना चाहिए सेंट्रल का, यानी कि भारत सरकार का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वो भी 30 सितंबर 2023 से पहले पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास 2-3 साल पुराना है तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाएगा, तो आप इसको कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लें। ठीक है, अब लाइसेंस की बात कर लें तो ड्राइविंग लाइसेंस ऑल मेल जो लड़कों के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है कि उनका लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, वो भी बाइक और कार का दोनों का होना चाहिए, LMV ये होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भारत सरकार का होना चाहिए OBC और SC के लिए। जो ड्राइविंग लाइसेंस है सिर्फ लड़कों के लिए हैं, वो जनरल OBC EWS SC ST जिस भी कैटेगरी हैं सबका होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप इन डॉक्यूमेंट्स को आप जल्द से जल्द तैयार कर लें, और आपका फॉर्म 1 सितंबर से शुरू हो रहा है तो आप इस फॉर्म को भरें। एक महीने का टाइम मिलेगा, 30 सितंबर से पहले पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने चाहिए दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एक लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।